भुवनगर्दन पार्टी जिंदाबाद, भुवनगर्दन पार्टी जिंदाबाद। दादा हीरा सिमर का अमर रहे, दादा हीरा सिमर का अमर रहे, दादा हीरा सिमर का अमर रहे। साथियों, सर्वप्रथम मैं गढ़ा मंडला भीष्म पावन भाटी को मस्तक पे लगाते हुए परम शक्ति फलापेट को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूं। आप सभी लोग जो जनगण मन के अधिनायक हैं, इस भारत के भाग्य विधाता हैं, जिनके दम पे देश की सत्ता में बैठे हुए लोग इस देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं, ऐसे अन्नदाताओं के चरणों में, गुणवाना के राजकुमार राजकुमारियों के चरणों में अनिल दुबे का बारंबार नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भुवना गर्दन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय दादा त्रेसर सिंह मरकाम जी, मंचा सिंह भुवना गर्दन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे इस मध्य प्रदेश के प्रभारी परम सम्माननीय भैया श्याम सिंह मरकाम जी, और साथ ही साथ जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष परम सम्माननीय अमन सिंह पोते जी, मंचा सिंह भुवना गर्दन पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश संगठन मंत्री भाई हरे सिंह फारको जी, एवं समस्त जितने भी राष्ट्रीय प्रांतीय जिला संभागीय पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारियों के चरणों में अनिल दुबे का यथा योग्य सेवा जोहार पहुंचे। भुवना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से दादा हीरा सिंह मरकाम जी के विचार को जन जन तक पहुंचाने में जिन लोगों ने जो अथक सहयोग और परिश्रम किया है, जिनने दिन को दिन नहीं कहा, रात को रात नहीं कहा, भूख को भूख नहीं कहा, प्यास को प्यास न कहा, ऐसे समस्त कार्यकर्ताओं के चरणों में अनिल दुबे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज के हमारे इस कार्यक्रम की रिपोर्टिंग कर रहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, साथ ही साथ जो आईटी की टीम है, एलआईटी की टीम है, जो सरकार को गोपनीय रिपोर्ट पहुंचाते हैं, उन लोगों को भी इस मंच के माध्यम से मैं सादर सादर सेवा जोहार करूंगा। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में अपना अथक सहयोग प्रदान कर रहे मध्य प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं, उन साथियों को भी इस मंच के माध्यम से हार्दिक हार्दिक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, एक कहावत है कि जीवन की वह क्या आशा, जीवन की वह क्या आशा, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और बागर खेत को खाए तो फसल कहां से लग रहा है। जब बागर ही फसल को खाने लगे तो खेत कैसे लहरा सकता है। देश का जवान हो या देश का किसान हो, देश का मजदूर हो, देश का प्रत्येक नागरिक सबसे ज्यादा भरोसा करता है तो भगवान के ऊपर, और भगवान भी अगर रूठ जाए तो दूसरा भरोसा करता है सरकार के ऊपर। गलत बोल रहा हूं बताइए। दूसरा भरोसा वो सरकार के ऊपर करता है। कभी पूर्व में रहे दड़ी पार जो आज हमारे इस देश के गृह मंत्री है, 5 तारीख को उनका मंडला आगमन हो रहा है, और हम जानते हैं वो क्यों आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक कीचड़ रहेगा नहीं तब तक कमल खिल नहीं सकता, ये सच्चाई है। वो कीचड़ फैलाने के लिए मंडला में आ रहे हैं। स्वागत है उनका इसी गृह मंडला में, जहां ये कार्यक्रम स्थल है। साथियों, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए इसी मंडला जिला के सारे सामाजिक संगठन ने मिलकर प्रशासन से इस स्टेडियम को मंगा था। प्रशासन ने बोला कि न्यायालय ने उस स्टेडियम को सिर्फ खेल के लिए सुरक्षित रखा है, वहां खेल के अलावा कुछ नहीं होगा। फिर कहां नियम कानूनों को शिथिल किया गया? इस चीज को है हमारी नजर में, भुवना गर्दन पार्टी नजर में रखी है, और भुवना गर्दन पार्टी का जो ऐलान रहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और इनके बीच में जो करेगा लड़ाई, भुवना गर्दन पार्टी वाले उसी करेंगे ठोकाई, यानी देश के समरसता को हम नहीं बिगड़ने देंगे। साथियों, यही गढ़ा मंडला है, यहां से हम लोगों
और आज हम दावे के साथ कह रहे हैं कि दादा मरकाम का बिया वो जो बोया हुआ बीज था वो 2023 में तीनों विधानसभा क्षेत्रों में दिखेगा, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में दिखेगा। इस बार भी मैं 1 अगस्त को कुड़वाला राज संकल्प यात्रा का शुभारंभ करने के लिए नैनपुर ब्लॉक के चिड़िया गली में था। उस समय हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मेरे छोटे भाई डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी और आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बैतूल जिला के छोटे भाई रामू तेकाम जी, इन लोगों ने आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ किया था हमारे विंध्य क्षेत्र से। मैंने मंच के माध्यम से कहा था कि मैं गोवाला गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष परम शक्ति थोड़ा पैर से प्रार्थना करता हूँ कि ये कांग्रेस का आदिवासी स्वाभिमान यात्रा सफल होना चाहिए और इस यात्रा के माध्यम से आदिवासियों का स्वाभिमान इतना जाग जाना चाहिए कि 2023 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी बनना चाहिए। यह मैंने सार्वजनिक मंच के तौर पर बोला था। और साथियों, कल गुड़वाला गणतंत्र पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन रहा, राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय दादा त्रिलोचन सिंह मरकाम जी के माध्यम से एक नया नारा मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को दिया गया है कि न कमल चाहिए न कमलनाथ चाहिए, हमको तो सिर्फ गुड़वाना की सरकार चाहिए। और इसी नारे को हमको गांव गांव तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। साथियों, शासन कैसे चलाया जाता है, ये हमारे पुरखा लोग चलाए। ये गढ़ा मंडला सोने के सिक्के चला करते थे, दूध की नदियां बहा करते थी, चोर और उचक्के नहीं हुआ करते थे। तो जो गौरवशाली राजपाट, वो स्वर्णिम राजपाट गुड़वाना का रहा, उसी राजपाट को लक्ष्य मान करके गुड़वाना गणतंत्र पार्टी आज फिर मैदान में है। और हम पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि 2023 का विधानसभा चुनाव गुड़वाला गणतंत्र पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये तय है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सारा गुड़ा भारत जिनको लगाना है वो लगा ले। आप लोग आज इस मंच के माध्यम से जो मेरा संदेश है, मैं वो आप लोगों को कहना चाहूंगा कि गुड़वाला गणतंत्र पार्टी का उम्मीदवार दादा हीरा सिंह मरकाम रहेंगे प्रत्येक विधानसभा में। दादा हीरा सिंह मरकाम हमारे उम्मीदवार है और चुनाव हमारा चुनाव चिन्ह है, यानी गुड़वाला गणतंत्र पार्टी को जिताना है, आर्मी छाप में बात फोड़ देना है। इसके अलावा नहीं सोचना है कि ये चुनाव लड़ रहा है वो लड़ रहा है वो, जो सोच ये पैदा विधानसभा चुनाव के समय में होता है कि नहीं हमारे क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट नहीं दिए, हमारे आदमी को टिकट नहीं दिए, या इसको टिकट नहीं दिए या उसको टिकट नहीं दिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है साथियों। मैं इस मंच के माध्यम से सार्वजनिक तौर से कहना चाहूंगा कि अनिल धुर्वे का चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है गुड़वाला गणतंत्र पार्टी का चुनाव जीतना। हमारा चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है गुड़वाला गणतंत्र पार्टी का चुनाव जीतना। झारखंड से अगर मधु गोंडा जी एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है तो हम तो दल वाले हैं साथियों, हमको तो कोई रोक ही नहीं सकता। बस अपने अपने जगह पे लड़ जाओ, अपने जितना आपकी शक्ति है, जितना आपका हैसियत है, उतनी जिम्मेदारी लो। सिर्फ एक पोलिंग में आप वजन उठा सकते हो तो सिर्फ एक ही पोलिंग में आप होगी। 5 पोलिंग का वजन उठा सकते हैं, 5 पोलिंग में घूम सकते हैं तो सिर्फ 5 पोलिंग में घूमिए। दादा हीरा सिंह मरकाम जी कहा करते थे कि 1-2-10 फार्मूला के ऊपर काम करो, विधानसभा चुनाव साइकिल के दम पे भी जीता जा सकता है। यानी चुनाव को लड़ने के लिए जीतने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत पड़ती है संगठन की, और वो संगठन गुड़वाला के पास है। हमने अगर पहाड़ों को काट के समतल मैदान बनाया, तालाब बनाया, बड़े बड़े किला महल अटारी बनाए तो गुड़वाला की सरकार क्यों नहीं बना सकते, बताइए, बना सकते हैं ना? हम जब सब कर सकते हैं तो गुड़वाला की सरकार क्यों नहीं बना सकते? साथियों, वक्त कम है साथियों।
जितना दम है लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को आप लोग जगा दो। इसी आस और विश्वास के साथ आप सभी लोगों के श्री चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहर पहुंचे। धन्यवाद। गुड़वाना गर्दन पार्टी, गुड़वाना गर्दन पार्टी, संघर्ष करो, संघर्ष करो। धन्यवाद।